आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बाहर आने के बाद में कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं उपवास किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारे बीच में मुकेश बंसल साहब है जो कि निगम पार्षद है कर्दमपुरी वार्ड से। सर क्या कहना चाहेंगे ये जो राजनीति अब चल रही है? संजय सिंह जो बाहर आए हैं वो केस खत्म करके नहीं आए, अभी कल जमानत पर छूटे हैं और जमानत पे इस शर्त पर छूटे हैं कि आप कोई भी ईडी के मामले में कोई भी ऐसा भाषा का उपयोग नहीं करोगे जिससे माहौल खराब हो। लेकिन चूंकि इनकी फितरत में लिखा हुआ है बदतमीजी करना, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, उसी कड़ी में ये लगातार इस तरीके से प्रोपेगंडा रचा रहे हैं। अभी तो मजे की बात तो ये है कि अगर केस खत्म हो जाएगा तो ये केवल उपवास नहीं करेंगे, हो सकता समुन्द्र में नहा के आए कि पता कितना बड़ा पाप धुल गया हमारा जो है। लेकिन ये भारत सरकार है जो भी सिस्टम में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो विषय, चाहे ईडी का विषय हो, न्यायपालिका पर जब इनको भरोसा है तो भरोसा रखें, देखिए भी होता है क्या। मुकेश बंसल जी, मोदी सरकार को केजरीवाल से डर लगता है, पूरी दिल्ली में प्रचार इसी तरीके से किया जा रहा है, इस पर दिल्ली नहीं संभल पा रही है। मजे की बात तो इनका एक कार्यकर्ता जो कभी RW का चुनाव जीत नहीं सकता वो सीधे मोदी की बात कर दे। अब आतिशी का क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं यदि मेरे पास में कोई आया होगा, उसका टेलीफोन नंबर आया होगा, कोई व्यक्ति आया उसका नाम बता दो, टेलीफोन नंबर बतला दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी तो देखे किसने ऑफर दिया 25 करोड़ की, आखिर कोई पूछने वाला हो इनसे, जब 62 MLA इनके हैं, एक या दो MLA या 4 MLA से क्या हो जाएगा भाजपा का? हो जाएगा ना कुछ? लेकिन इन्हें झूठ बोलना है, झूठ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं है। हाथ हथेली पे सरसों जमाते हैं ना, है? अब पता नहीं कहां जमाना चाह रहे वो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इससे फालतू झूठे। और खाली केजरीवाल नहीं, मतलब सारा सारा कुनबा का कुनबा ही ऐसा कैसा निकल गया जिसे दिल्ली का अपने आप में बेड़ा गरक कर दिया। मुकेश जी, क्या इस तरीके की वार्तालाप करके या इस तरीके से क्या नाम है कैंडल मार्च निकाल के क्या दिल्ली की जनता वापसी केजरीवाल के साथ जाने वाली है या मोदी सरकार के साथ? 4 जून को पता लग जाएगा। चलो मान लिया 4 जून को, भाई जब ये मोदी की बात करते हैं ये तो मोदी का चेहरा हम भाजपा लड़ रहे, इसमें कुछ शक वाली बात है, ठीक है? नहीं कोई कहने लगे भाई हम कैंडिडेट तो हमारा कमल का फूल है और चेहरा हमारा मोदी जी है, ठीक है, माना यहाँ से हमारे तीसरी बार मनोज तिवारी जी को टिकट दिया है और चूंकि वो मनोज तिवारी को सिर्फ इसलिए दिया है, काम तो करा ही करा है, लेकिन इतने नजदीक है वे कार्यकर्ता कि यदि उनको पता लग जाए कि मेरा कार्यकर्ता मुकेश, सुरेश, रमेश या आलम, कोई भी जी जी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो उसके पास फोन करते हैं, भैया बताओ ना क्या, मतलब तीसरी बार जो टिकट मिला कुछ कारण तो होगा ना, तो 4 जून को पता लग जाएगा। कैंडल मार्च, उपवास खूब करना, उसके बाद में जब हार जाओगे, बल्कि समुद्र में एक बार डुबकी मारिया ना, बच जाओ तो आ जाना, तो आपका स्वागत करेंगे हम भी। तो कहा जाए कि सातों की सातों लोकसभा सीट स्वैप भारतीय जनता पार्टी। अब आप देख लो ना, जिसके साथ इन्होंने अलायंस किया कांग्रेस के साथ, उस बेचारे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, हमारे कैंडिडेट एक महीने पहले डिक्लेयर हो चुके लगभग, कांग्रेस का अभी तक चेहरा, और जो नाम आ रहा हमारी सीट से कन्हैया कुमार का, जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग है, आ तो जाओ, पता लग जाएगा कांग्रेस को भी अपनी औकात का। और केजरीवाल, हम न्यायपालिका ऊपर इसलिए कुछ नहीं बोलते, जो जैसा करेगा कानून उसके साथ उस हिसाब से काम करेगा। मुकेश जी, चलते चलते कल से विक्रमी नव संवत हमारा नया साल शुरू हो रहा है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि हम चुनावी कार्यालय का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। बधाई सभी को, क्षेत्रवासी को बधाई, और मैं फिर कहता हूं 25 मई का चुनाव है, गर्मी जरूर है, लेकिन देश को सही हाथों में पहुंचे इसके लिए गर्मी सर्दी बरसात क्या सब कुछ सहन करेंगे, और तीसरी बार मनोज तिवारी जी को और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिता के लाएंगे, और नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जय माता की।